2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड केमिकल फैक्ट्री से अत्यंत जहरीली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ, जो हवा के रुख के साथ भोपाल में फैलती चली गई। उस गैस की चपेट में जो भी आया वो तड़पने लगा, गंभीर बीमार हो गया, अनेक लोगों की तो मृत्यु हो गई। देखते ही देखते पूरे भोपाल में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने इधर उधर भागने लगे, अपने परिजनों और जरूरत का जो सामान हाथ आया वह साथ लेकर घर द्वार जस की तस छोड़कर अपनी और परिजनों की जान बचाने किसी भी तरह भोपाल से दूर निकल गया। जिसको जो भी साधन मिला, साधन नहीं मिला तो पैदल ही भोपाल से दूर भाग रहा था। उस समय सिर्फ जान बचाना ही पहली प्राथमिकता थी। लोग किसी तरह भोपाल से भागे तो आसपास के गांव और शहरों में पहुंच गए। वहां के अस्पतालों में भर्ती हुए, इलाज कराया। वहां के लोगों ने इन पीड़ितों के लिए धर्मशाला में ठहरने, खाने पीने और इलाज के इंतजाम कराए। लोगों ने इन पीड़ितों की जमकर सेवा की, जिससे जो बन पड़ा जैसे बन पड़ा वो तन मन धन से सेवा कार्यों में जुट गया। इस त्रासदी की यादों को वक्त ने धुंधला कर दिया था, लेकिन हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म पर आई द रेलवे मैन ने इन जख्मों को कुरेद दिया है। हमारी युवा पीढ़ी को तो इस त्रासदी की भयावहता का अंदाजा भी नहीं होगा, इसलिए हमने इस हादसे के बाद विदिशा आए पीड़ितों की पीड़ा को जिन्होंने देखा था, उनकी सेवा की थी, उनके अनुभव को जाना, ताकि हमारी युवा पीढ़ी भी जान सके कि कितनी भयावह थी विश्व की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी, जिसे हम भोपाल गैस कांड का नाम से जानते हैं। मैं अतुल रतन सिंह शाह, पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस क्लब इंटरनेशनल एवं अध्यक्ष बेतवा उत्थान समिति। 3 दिसंबर को अल सुबह जब हम लोग उठे और हमको ज्ञात हुआ कि भोपाल में गैस त्रासदी हुई है, हजारों हजार आदमी भोपाल से अपने अपने वाहनों से, कुछ लोग ट्रेन से, कुछ लोग ट्रक में, कुछ लोग बसों में विदिशा आए और जिला चिकित्सालय में एक हुजूम सा एकत्रित हो गया था। अनेक लोग ऐसे थे कि जिनके पास खाने और चाय तक के पैसे नहीं थे, और कोई उस समय संचार का भी कोई माध्यम नहीं था कि एक दूसरे परिवारजनों से मिल सकें। उस समय 3 दिसंबर से ही विदिशा के सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी संस्थाओं और व्यक्तियों ने जो सेवा के कार्य किए वो स्तुत्य हैं, वंदनीय हैं। जिससे जो बना उस समय उन गैस त्रासदी वालों को सहयोग के लिए प्रत्येक विदिशा का नागरिक आगे आया और उनको हर संभव सहायता प्रदान की। प्रातः ब्रेड, नाश्ते से लेकर के खाने की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, कई लोगों के पास बतन पे कपड़े नहीं थे तो उनको, क्योंकि ठंड का समय था तो कंबल और रजाई की व्यवस्था भी विदिशा में उनके लिए की गई। घटना, हम घर पर ही थे और सुबह हमारे लैंडलाइन फ़ोन पे जानकारी आई कि ऐसा ऐसा हुआ है और जल्दी से जल्दी अस्पताल हम सब लोगों को चलना है। हम सब लोग अपने साथियों के साथ एकत्रित होकर अस्पताल पहुँचे। हमने सबको हाथ पकड़ पकड़ के डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले गए। उनको जो भी सहयोग था उनको बिना किसी डर और बिना किसी हिचक के ये सहयोग किया। उस समय जो हमने महसूस किया कि जो वो जो पीड़ित थे, जो गैस त्रासदी से जो भोपाल से भक्कर विदिशा आए थे, उनके मन में जो दर्द करा रहा था और जो पीड़ा थी, उसको देख के ही हमको लगा कि इनका सहयोग करना मानवता की सबसे बड़ी मिसाल होगी। उस समय जो उनकी दर्द को देखकर और उनके हौसले को देखकर, उनके जज्बे को देखकर ऐसा लग रहा था प्रत्येक व्यक्ति को कि इनका सहयोग करना ये हमारा धर्म है। नहीं, उस समय की यादें अभी भी मेरे जहन में हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे थे, जिनकी गोद में बच्चे थे, जिनको हम कहें कि 1 महीने के बच्चे थे या 2 महीने के बच्चे थे, और कुछ एक बच्चे का मुझे याद आ रहा है कि उसकी माँ नहीं थी, वो बच्चा अकेला था, तो हमारे यहाँ की महिलाओं ने उसको जो सहयोग दिया, उसके लिए कपड़े दिए, उसको दूध ला के दिया और उसकी पूरी सेवा शुश्रूषा, उसकी दादी थी, उस दादी के साथ उसकी जो सेवा शुश्रूषा की वो आज भी हमको याद है। कुछ लोग तो ऑटो से भोपाल से चल के आए, मिनी ट्रक, छोटे छोटे जो लोडिंग ऑटो हैं उनमें आए, बसों में आए, जिसको जो साधन मिला उन साधनों से। और कई लोग तो ऐसे भी आए जो 10-10, 20-20 किलोमीटर पैदल चल के भी विदिशा पहुँचे, और जहाँ भी उनको ऐसी संभावना थी विदिशा इसलिए आए कि उनको ऐसा लग रहा था कि विदिशा में हमको राहत मिलेगी, इसलिए विदिशा ज़्यादा संख्या में। हर जगह, हर वार्ड में
मरीज ही मरीज पड़े हुए थे कि जिनके पर न कोई पलंग था, एक एक पलंग पे चार चार पांच पांच लोग बैठे हुए थे और ज़मीन में लेटे हुए थे, जगह की कमी बिल्कुल महसूस हो रही थी। देखिए, ये वास्तव में भोपाल का ही नहीं समूची दुनिया का एक भीषण हादसा था, और इस हादसे के लिए यूनियन कार्बाइड का मालिक वारेन एंडरसन पूरी तरह जिम्मेदार। एक एक्सीडेंट होता है, अगर मान लीजिए अचानक ब्रेक फेल हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो गैर इरादतन हत्या का मामला ड्राइवर के ऊपर दर्ज होता है। लेकिन अगर जानबूझ करके उसके ब्रेक कमजोर किए जाएं और फिर एक्सीडेंट हो जाए, तो इरादतन हत्या का होगा। वारेन एंडरसन बहुत अच्छी तरह जानते थे कि उनके लिए 1969 के अंदर इस कंपनी की भारत के अंदर स्थापना हुई। मूल कंपनी जो है अमेरिका में है। कानून बोलता है कोई घटना घटती है तो प्रिंसिपल यूनिट जिम्मेदार होता है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जिम्मेदार होता है। वारेन हेस्टिंग बहुत अच्छी तरह जानते थे कि जिस टैंक के अंदर मिग गैस भरी हुई है वो पुराना हो चुका है, एक्सपायरी डेट का हो गया है, जंग लग चुकी है उसके अंदर, इसके बाद भी उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके अलावा सुरक्षा के जो साधन फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए थे वे भी बदल दिए गए थे, क्योंकि उन पर खर्च ज़्यादा आ रहा था। इस बात को हमारे देश का श्रम विभाग बहुत अच्छी तरह जानता था और आपदा प्रबंधन विभाग जानता था, लेकिन यूनियन कार्बाइड का स्तर इतना ऊंचा था क्योंकि मंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े अधिकारी यूनियन कार्बाइड से लाभान्वित होते रहते थे। अनेक लोग अपने रिश्तेदारों को यूनियन कार्बाइड में नौकरी से लगाते थे और अनेक बड़े बड़े लोग कारों को लेकर के अपने वहाँ पर किराए पर चलाया करते थे। दबे हुए थे सब लोग, इसलिए किसी के मुंह में जबान नहीं थी कि उसके खिलाफ बोल सके। ये सब चीज़ें पूर्व नियोजित थी, जांची परखी थी, इसके बाद भी ये हादसा हुआ है तो इसके लिए वारेन एंडरसन मुख्य रूप से दोषी है और उसके खिलाफ वही चलना चाहिए था, हत्या का मामला। लेकिन भारत के अंदर आता है, 7 दिसंबर को आता है, उसे रिसीव करने के लिए कलेक्टर मोती सिंह, एसपी स्वराजपुरी जाते हैं, लाते हैं, क्योंकि केस रजिस्टर्ड 3 दिसंबर को हो चुका था गैर जमानती धाराओं के अंतर्गत। यूनियन कार्बाइड के रेस्ट हाउस में रखा जाता है, वहां से फोन लगा देता अमेरिका को, अमेरिका के राष्ट्रपति भवन से फोन आता है भारत के प्रधानमंत्री के पास में, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के लिए फोन करते हैं और मुख्यमंत्री उठा करके मुख्य सचिव को फोन लगा कर कहते हैं कि उसके लिए छोड़ दिया जाए एंडरसन को। मुख्य सचिव कलेक्टर को सूचना देते हैं कि आप उसके लिए जल्दी से जल्दी छोड़िए, स्टेट प्लान तैयार रखा हुआ है, दिल्ली पहुंचाना उसके लिए। जिस तरह कोई सरकार का दामाद हो, इस तरह वारेन एंडरसन के लिए यहां से पहुंचाया गया, ये बड़े शर्मनाक बात इसलिए कि हमारा देश न केवल स्वतंत्र राष्ट्र है बल्कि संप्रभु राष्ट्र है। इस राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए, संप्रभुता के लिए न जाने कितने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान और रामप्रसाद बिस्मिल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो अभी के बात है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मंगल पांडे, झांसी की रानी से लेकर न जाने हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी है। इसके बाद देश को आजादी मिली है, संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभु राष्ट्र क्या कहलाता है? संवैधानिक भाषा के अंदर स्वतंत्र नहीं, संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभु राष्ट्र वह जिसके देश के अंदर के मामलों में और बाहरी मामलों में किसी भी विदेशी ताकत का हस्तक्षेप नहीं चलता। लेकिन अमेरिका से फोन आता है और 2 घंटे के अंदर एंडरसन जो है यहां से रिहा कर दिया जाता है, उसकी धारा बदलती जाती है, जो गैर जमानती अपराध के अंदर उसे गिरफ्तार किया गया था, जमानती अपराध में धाराएं करके और जमानत लेकर के उसे यहां से फरार कर दिया जाता है। और पूरा केस चलता रहा, कोर्ट ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी निकाला, लेकिन हम उसे गिरफ्तार नहीं कर सके। ये बड़ी हमारे देश के लिए न केवल शर्मनाक बात है बल्कि ये कलंक की बात है। देखिए, विदिशा के अंदर तो कोई विशेष घटनाएं नहीं घटी थी, लेकिन जो भोपाल से गुजर करके आ रहे थे उनकी आंखों में जलन थी, खांसी भी हो रही थी। लेकिन चूंकि मैं एक जिज्ञासु पत्रकार भी हूं, तो मैंने फिर भोपाल का भी जायजा लिया। भोपाल के अंदर बड़ी ही दारुण स्थिति थी, लाशें बिछी हुई थी, कफन डले हुए थे लोगों के, और ये समझिए कि एक एक शमशान में 15-15, 20-20 लोगों को इकट्ठा करके उनकी चिताएं जलाई जा रही थी। 2-3 दिन के अंदर 2500 लोगों के शव दहन किए गए। ये कहा जाता है कि
प्रारंभ की स्थिति के अंदर 8,000 लोग जो है काल के गाल में समा गए और लगभग 8,000 लोग जो हैं वो इलाज के दौरान उनकी मौत हुई और हजारों लोग जो हैं विकलांग हो गए, कोई हाथ पैर से हो गए, कोई आंखों से हो गए। ये स्थिति बहुत ही दारुण स्थिति थी और ये कुछ ही दिनों के अंदर ये स्थिति हुई, एक दो महीने के अंदर भीषण जो प्रकोप होना चाहिए वो हुआ। फिर धीरे धीरे वो चीज़ें तो अभी भी भोग रहे हैं, जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी के लोग अभी भी जो है पैदा होते हैं और वो इस प्रकार से कहीं विकलांग हो जाते हैं, वही स्थिति गैस पीड़ित एरिए के अंदर है। यूनियन कार्बाइड के आसपास के जांच की गई है, इंग्लैंड की लेबोरेटरी ने जांच की है और ये मालूम पड़ा है कि वहाँ की मिट्टी में अभी भी जो है मिग गैस के तत्व मौजूद हैं। देखिए ये तो तय है, अदृश्य शक्ति जो है जिसे हम ईश्वर कहते हैं उसको तो मानना ही पड़ता है कि ये, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि लगभग 5-6 हजार लोग उसी समय प्रभावित हो गए उस रात में आसपास के। तो जिनके पास गैस पहुंच गई है वो तो परेशान हुए हैं, वहां हथेली नहीं लगाता ईश्वर। एक्सीडेंट हो रहा है, हम ये कह सकते हैं ईश्वर चलाता है, ईश्वर रक्षा करता है, जैसे अभी टनल के अंदर हुआ, 41 लोग थे लेकिन अगर मर जाते तो ईश्वर कहाँ से वो उन्हें करता। ये तो वो 5-6 हजार लोग जो हैं जो काल कवलित हो गए तो उनके लिए तो वो नहीं, अब यही कह सकते हैं कि वो कर्मफल की थ्योरी वहाँ काम करती है कि उनकी मौत निश्चित थी। अगर मौत निश्चित थी तो व्यवस्था के लिए हम दोष नहीं दे सकते, जिम्मेदार व्यवस्था है। अगर व्यवस्था ध्यान रखती, यूनियन कार्बाइड के पास जब लेबर अधिकारी जाते जिन्हें हम पैसा देते हैं फैक्ट्रियों की जांच करने के लिए, हर फैक्ट्रियों से महीना बंधा हुआ है लेबर इंस्पेक्टर का, आपदा प्रबंधन वालों का, तो उनकी जानकारी में रहता है कि कहाँ क्या गड़बड़ी है और कुछ गड़बड़ी वहाँ काम करने वाले लोग भी बता देते हैं कि श्रीमान ये गड़बड़ी है, तो ये वो गड़बड़ी की कीमत वसूल लेते हैं प्रबंधन से। वो तो बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा था भोपाल गैस कांड के नाम से, जो बाद में पूरी दुनिया में जाना गया। माने इतनी बड़ी त्रासदी मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में कभी नहीं हुई। वो एक बड़ी इंडस्ट्रियल डिजास्टर था, उस समय मैं सांसद था और संसद के अगले चुनाव लड़ने की हमारी पूरी तैयारी, चुनाव चल रहे थे, उसी बीच में ये घटना हुई थी और 2 तारीख की रात की ये घटना है। 3 और 4 का मेरा प्रोग्राम भोजपुर क्षेत्र का निर्धारित था, वहीं से बुधनी जाना था मुझे। हम निर्धारित प्रोग्राम के हिसाब से 8 बजे यहाँ से निकले और जैसे ही दीवानगंज क्रॉस किया और वहाँ से गाड़ियाँ और लोगों को आते हुए जो देखा, कोई टेम्पो में आ रहा है, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली में रखा के दीवानगंज की तरफ आ रहा है, कोई विदिशा की तरफ आ रहा है, हम नहीं समझ पाए कि ये क्यों भगदड़ मच रही है और किसी से को रोक कर पूछने का प्रयास भी नहीं किया। पर जैसे ही हम भोपाल की सीमा पर पहुंचे, पुलिस डिप्लॉयड थी आउटर रिंग रोड पर, उनने हमको अंदर एंट्रेंस नहीं होने दिया कि इधर बहुत बड़ी घटना हो गई है, रेलवे स्टेशन पे 400-500 लोग मर गए हैं और हो सकता है कोई गैस हुआ है लीक या कोई एक्सीडेंट हो गया है रेलवे का, ये पूरी जानकारी उस समय तक नहीं आ पाई थी। तो आप इस तरफ ना जाएं, बाईपास से निकल जाएं। तो हमने बाईपास से जाना भी उचित नहीं समझा और वापस लौट कर आकर विदिशा हमने फिर फोन लगाया कि बहुत बड़ी घटना हुई। तब तक खबरें आ गई थी, रेडियो पे भी खबर आ गई थी, विदिशा हम वापस 10 बजे तक आ गए थे और हमने सब भोजपुर क्षेत्र बुधनी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को बता दिया कि आज का प्रोग्राम निरस्त है और ऐसी ऐसी घटना गैस लीकेज की कार्बन क्या है वो यूनियन कार्बाइड से लीक हुई है और अभी 400-500 लोगों की मौत की खबर आई है। उस समय ये नहीं मालूम था कि 3-3.5 हजार तक हो जाएगा ये गैस पूरे भोपाल में फैल जाएगी। अब हमने फिर भोपाल में हमारे छोटा भाई रहता है कजिन ब्रदर गोविंद शर्मा को, भूआ को, इनको फोन लगाया, इनकी अच्छी सलामती के पूछा तो उन्होंने कहा इधर तो गैस नहीं आई है BHEL तक। परंतु ये जरूर बात थी उस समय कि लोग बहुत परेशान थे, अस्पतालों में भर्ती हो रहे थे। जो भोपाल की राजनीतिक जानकारी हमें मिली, सांसद होने के नाते प्रशासन से जानकारी ली, विदिशा कलेक्टर से जानकारी ली, SP से ली, तो उन्होंने कहा अभी तक यही आई है कि भयंकर है और स्टेशन के आसपास
यूनियन कार्बाइड के आसपास के क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। तत्काल हमने रायसेन वालों को फ़ोन लगाया, विदिशा वालों से कहा, ओबेदुल्लागंज और बुधनी वालों से कहा कि कोई भी वहाँ से गैस प्रभावित लोग आ रहे हैं तत्काल उन्हें सहायता दें, अस्पताल में पहुंचकर देखें, एक मानवता का जो भी उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता इस समय इस कठिनाई दुख के समय, ये बहुत बड़ी घटना है, ये तो हमें उस समय 10-11 बजे तक आभास हो गया था। यहाँ से बैठ के हमने घर से संचालन किया पूरी चीज़ का, कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया, विदिशा की धर्मशालाएँ, विदिशा के स्टेशन, विदिशा के स्कूल कलेक्टर से कह के उस समय हमने सब खुलवाए जो बंद थे। मेरे ख्याल में उस समय कलेक्टर या तो डीसी जैन थे, डीसी जैन साहब थे कलेक्टर, उनने फिर पूरी जानकारी और पुलिस अधीक्षक ने पूरी जानकारी लेकर बहुत मुस्तैदी से ये लोग पुलिस स्टेशन पर कोतवाली में आके बैठ गए थे और बढ़िया अच्छे ढंग से प्रशासन ने हैंडल किया उस चीज़ को। और हमारे कार्यकर्ताओं ने जाकर अस्पतालों में, धर्मशालाओं में या रिश्तेदारों के यहाँ जाकर जो भी एंटीडोज दवाइयाँ मिल सकती थी डॉक्टर की एडवाइस से देने का प्रयास किया। और उस समय ऑक्सीजन का इतना प्रचलन नहीं था, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती थी, वो सिर्फ हॉस्पिटल में ही रहती थी, घरों में या प्राइवेट सेंटर में, हॉस्पिटल में के अलावा गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलते थे। तो एक बहुत बड़ी वो थी, बॉटल नेक कमी थी जो हमने उस समय महसूस करी। अस्पताल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे, प्रशासन भी प्रिपेयर्ड नहीं था, और हम लोगों के दिल में तो एक ऐसा सदमा सा हो गया था कि एक साथ कभी ऐसे 1000-2000 लोग मर सकते हैं, जो बाद में 3500-4000 लोगों की घटना हो गई। 4-5 दिन कहें या एक सप्ताह कहें, वो पूरे राहत कार्य में ही और सब लोगों की संवेदनाओं में ही गए। और जैसे जैसे जानकारी आई, प्रशासन से पूरी जानकारी मिलती नहीं थी, अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से जानकारी आती थी, प्रशासन जानकारी सच्चाई दबाते थे कि पैनिक ना हो, कोई परेशान ना हो, घबराहट ना हो, समाज में कोई ऐसी बात ना हो। पर स्थानीय प्रशासन ने, चाहे भोपाल का हो, विदिशा का हो, रायसेन का हो, सीहोर का हो, बड़े हेल्पिंग हैंड से काम किया, इतना मुझे याद है। और कई धर्मशाला में जो लोग रुके हुए थे, जैन समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, शिक्षण संस्थाओं के लोग वहाँ पर भोजन लेकर उनको जा रहे थे। हम लोगों ने भी वॉलंटियर सर्विस जो होती है ना, कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रभावित परिवारों को अपने बिस्तरों को उन धर्मशालाओं में दे दिए लगवाने के लिए, कुछ ने अपने घर में रुकने की व्यवस्थाएं कर दी। एक जो पड़ोसी का कर्तव्य होता है, धर्म होता है, कि इस कठिनाई के समय या प्राकृतिक आपदा के समय हम लोग इस प्रभावित लोगों को, उनके परिवारों को मदद करें, सहयोग करें और हर तरह से उन्हें ढांढस बंधाए, वो हम लोगों ने विदिशा वासियों ने किया था उस समय। नमस्कार, मैं आनंद शंकर जिजोतिया। रेडियो न्यूज से पता चला था कि भोपाल में गैस कांड हुआ है, मेरी सिस्टर के बाल बच्चे जो है वो एक्सपायर कर गए थे, और इसके साथ साथ हमारे और भी परिवार के जो लोग थे, मौसी के लड़के थे, उनके बच्चे एक्सपायर हो गए थे। ऐसी भयानक परिस्थिति थी। सरकारी आंकड़े के अनुसार उसमें लगभग 5-6 हज़ार बताए गए हैं अखबारों में कि लोग ख़त्म हो गए थे, लेकिन उनके जो अखबार में न्यूज़ आ रही थी उसके अलावा भी 10-15 हज़ार और ख़त्म हुए थे, और उनके आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं हुए, लोगों को पता ही नहीं चला कितने लोग ख़त्म हो गए। लेकिन फिर भी लगभग 15-20 हज़ार लोग मरे होंगे। उस समय बड़ी भयानक परिस्थिति थी भोपाल की। मुख्यमंत्री तो अपना स्थान छोड़ के ही चले गए थे, अब्दुल्लागंज, अर्जुन सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे। इस सब का दोषी जो है अमेरिकन, उनको एंडरसन को बुलवाया गया था, रातों रात जमानत कर दी थी। कांग्रेस के नेताओं ने रिश्वत खा के उसको भगा दिया था। उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। कांग्रेस ने बहुत बड़ा खेल खेला था, भोपाल के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था, किसी प्रकार की कोई सहायता उनको दी नहीं गई थी, और वर्षों तक उनको गैस कांड के पीड़ितों को थोड़ा थोड़ा लाभ दिया गया, उन्हें पूरा मुआवजा तो आज तक नहीं दिया गया। बहुत लोग प्रभावित हुए थे और इस घटना से हम दुखी हैं। मैं देखने आया था इस घटना को झाबुआ से, तो जिस ऑटो में मैं घूमा था उस ऑटो वाले ने दिन भर मुझे घुमाया, और शाम को जब मैंने उससे कहा कि तुम्हारा बिल कितना हुआ, तो आप ताज्जुब करोगे ये जान करके कि उसने मुझसे ऑटो के पैसे नहीं लिए,
बोले साहब आप जैसे दुखी हो ऐसे हम भी दुखी हैं, आपसे क्या पैसा लेना। हमारे परिवार के कुछ जो रिश्तेदार थे उनकी आँखों में कई वर्षों तक तकलीफ रही, कुछ के लंग्स खराब हो गए थे। मेरे मौसी के लड़के वहाँ रहते हैं, कमल, हरी, राजू वगैरह, इन लोगों के लंग्स अफेक्टेड थे, आँखों में बहुत तकलीफ थी। और हमारे मौसी के परिवार के बच्चे शांत हो गए थे, छोटे छोटे बच्चे थे, और ऐसी भयानक स्थिति बनी थी, बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। सबसे परिवार बहुत समय तक दुखी रहा था और उन्हें आज तक भी वहाँ भोपाल के लोग बताते हैं कि पूरा न्याय नहीं मिल पाया, उन्हें ठीक से मुआवजा भी नहीं मिल पाया। थोड़ा थोड़ा अमेरिका की जो कंपनी थी जिसने गैस रेसा हुआ था उस कंपनी के लोगों ने उन्हें पूरा पैसा आज तक नहीं दिया। ये लगभग 10 साल तक लोग भी उस बीमारी से प्रभावित रहे थे, उस गैस जिनको लगी थी। वो पुराने भोपाल के लोग ज़्यादा अफेक्टेड हुए थे उसमें। कहाँ रहते थे वो उस समय भोपाल में? भोपाल छोड़ करके लोग टीटी नगर की तरफ भागे थे, जो टीटी नगर से आगे निकल गए थे लोग रातों रात दौड़ गए थे, जिसके पास जो साधन मिला वो अपना भागा। कुछ तो ख़त्म हो गए थे, कुछ बच गए थे, जो ज़्यादा दूर निकल गए 5-7 किलोमीटर दूर वो थोड़े बच गए थे। ऐसी परिस्थिति थी। विदिशा की स्थिति उस समय ये थी कि जो विदिशा के लोग भोपाल जा रहे थे रात में, वहाँ के स्टेशन मास्टर ने गाड़ियाँ रोक दी थी निषादपुरा पे, लेकिन निषादपुरा पे भी जो लोग रुक गए थे ट्रेन में बैठे हुए थे उनको गैस का असर हुआ था, और बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग विदिशा के भी प्रभावित हुए थे, वो भी उस बीमारी से प्रभावित हुए थे और उन्होंने भी उस बीमारी को भोगता है। हमारे सिविल सर्जन उस दिन वहीं भोपाल में थे और वो खुद उसी एरिया में थे जहाँ ये घटना घटी, और वो खुद पीड़ित हुए। उन्होंने डॉक्टर SC लहरी जो है वो सिविल सर्जन थे उस समय, और मैं यहाँ RMO इंचार्ज था हॉस्पिटल में, और जब वो नहीं होते थे तो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी भी पूरी मेरी ही रहती थी। तो उन्होंने तत्काल मेरे को वहाँ से अपना टेलीफोन किया कि ऐसे ऐसे है, और वो आए तो सबसे पहले तो वो खुद बीमार हुए थे, तो हमको उनको तत्काल उनके लिए पूरी जो चिकित्सा सेवाएं देनी थी वो सब उनको तैयारी की गई, और पूरा हमने अलर्ट करके हमारा पूरा स्टाफ जो है सुबह सारे मतलब उसी समय तत्काल सब लोग उपस्थित हो गए, और एक पूरा वार्ड, मेडिकल वार्ड हमने खाली तैयार करा के उसको उसमें वहाँ पूरी तैयारी की। ट्रेनें बंद कर दी गई थी पूरा भोपाल जाने के लिए, तो सब ट्रेनें यहाँ खड़ी हुई थी, तो पैसेंजर इधर वो एक भागदौड़ हो गया था कि भोपाल कोई जा नहीं सकता था। बसेज का रोड भी खत्म बंद कर दिया गया था, रायसेन वाला रोड चालू था, तो कुछ लोग जो हैं प्राइवेट लोग उधर से जा रहे थे। तो यहाँ बहुत रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर बहुत भीड़ हो गई थी, और कुछ लोग जो घबरा के वहाँ से आसपास के थे भाग कर इधर आए, उन सबको अस्पताल में एडमिट किया गया, और पूरी उनको उस समय तत्काल जो सुविधा यहाँ हो सकती थी, लेकिन यहाँ उस समय कोई गंभीर मरीज ऐसे नहीं आए, क्योंकि जो भागकर आसपास के क्षेत्र से डरे हुए लोग थे उनका इलाज किया गया। तत्काल वो आए सिविल सर्जन, यहाँ से पूरी टीम बन के बहुत सारे डॉक्टर्स, स्टाफ सब भोपाल की तरफ गया, और ये कार्यक्रम फिर करीब 1.5-2 साल तक चला। तो यहाँ से रेगुलर पूरे मध्य प्रदेश से डॉक्टर्स की ड्यूटी लगती थी, 3-3 महीने वहीं रहना पड़ता था डॉक्टर्स को और स्टाफ को पूरा अपनी ड्यूटी छोड़, क्योंकि जो लोग स्टेशन पे पड़े हुए थे उनके लिए खाना पानी, बस स्टैंड पर खाना पानी, उनको सारी सुविधाएं समाज सेवी संस्थाओं ने किया, खासतौर से जो समाज के लोग जागृत थे। इस समय लाइन्स क्लब बहुत एक्टिव हुआ करता था, जो दूसरी संस्थाएँ थी वो जो है सब उन्होंने अपनी तरफ से हर तरह की व्यवस्था की, लोगों को किसी तरीके की परेशानी नहीं होने। ये तो उस तरीके से मान लीजिए जैसे बम डाल दिया हो किसी ने, उस तरीके से बेचारे अभी तक हैं वो, तो मुकदमे लड़ रहे हैं अभी तक लड़े वो, और तो पूरी पीढ़ी की पीढ़ी आने बच्चे जो बच्चे गर्भ में थे वो पीड़ित हुए और वो भुगतते रहे भाई उस पीढ़ी तक, अभी तक चल रहा। और इसीलिए वो इतना बड़ा ये गैस रात की वजह से ये जो भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल जो बनाया गया, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं हो पाया उस तरीके से, उन लोगों को उसका उतना फ़ायदा नहीं मिल पाया।